एक ये क्वेश्चन रिटर्न आया है, ये ऑर्डर नंबर आप देख लें स्मार्ट प्रोडक्ट की कंडीशन है। अच्छा, इसमें एयरपोर्ट्स थर्ड जनरेशन ही भेजे थे ब्लैक कलर के, इन्होंने ये रिटर्न किया और ये बॉक्स पे लगा के भेजा है। ये देखिए इन्होंने किस तरीके से इसको डैमेज करके टोटल। अब ये वही पार्सल है, ये दूसरा पार्सल है, क्योंकि हमारे उसमें यहाँ पे सील्स लगी हुई होती हैं, ठीक है, तो विदाउट सील वो ओपन नहीं हो सकता। ये पूरा ब्लेड ब्लेड मारे हुए कोई कंडीशन नहीं है। देखें ओपन करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये चार्जिंग केबल है, ये एयरपोर्ट्स की कंडीशन है अब आपके सामने, सही है। ये फ्रंट है इसका, फोकस है, ठीक है। ये आप कंडीशन देखें इसकी, ये किस कंडीशन में वापस आया, सही है। तो और चार्जिंग बिल्कुल इसकी लो हुई है, ठीक है। अगर एयरपोर्ट्स ख़राब हों तो एयरपोर्ट्स यूज़ नहीं होते, और यूज़ नहीं होते तो इस कंडीशन में भी नहीं होते। यहाँ पे इनका पूरा ब्रांड असेंबल्ड इन जापान और वो सब लिखा हुआ होता है, ठीक है। इसमें वो सब देखें, इसको साफ़ करके मतलब यूज़ रफली यूज़ करके रिटर्न किया गया है, कोई इसमें वैसे फॉल्ट नहीं होगा, सही। बाकी आप ये देखें कंडीशन, बर्ड्स की कंडीशन देखें, आपको सारा ऑयल और वो इसमें दिख रहा है। यहाँ से देख लें आपको पता चल जाएगा ये सारा यूज़ करके, या तो यूज़ करके या इन्होंने कोई अपने पुराने पॉड्स इसमें डाल के और रिटर्न कर दिए होंगे। ये देख लें, ये बिल्कुल रफ़ कंडीशन में इन्होंने रिटर्न किया, ठीक है। हमारी तरफ से कोई भी फॉल्टी पीस नहीं आया था, हमारे पीस पे सील्स भी लगी हुई होती हैं, तो इसमें ये पार्सल हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और रफली यूज़ करके जस्ट रिटर्न करना, ये मुझे पता है ये पार्सल एयरपोर्ट सही होंगे, इसको जस्ट यूज़ करके 5 दिन 6 दिन आप लोगों ने 14 डेज़ का टाइम कर दिया, तो कस्टमर ज़्यादा ज़्यादा टाइम यूज़ करके रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। चेंज और ये अकाउंट होगा चेंज ऑफ माइंड में, जो कि आप लोग की तरफ से एक्सेप्टेबल नहीं है, तो काइंडली ये पार्सल हम रख रहे हैं, आप इसको रिसीव करवा के इसकी जो भी पेमेंट है। इस कंडीशन में हम किसी भी कस्टमर को ये पार्सल नहीं दे सकते, ठीक है। ये आप ऑर्डर नंबर देखें, इसकी जो पेमेंट है वो अकाउंट में लगवा दीजिएगा, शुक्रिया।